गोंदिया बालाघाट रूट पर यात्रियों की हालत बेहद खराब है। लंबे समय से ट्रेनों की लेट लतीफी से आक्रोशित यात्रियों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा और खारा स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों सहित ग्रामीण यात्रियों ने पटरियों के बीचों बीच बैठकर धरना आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे लगभग एक घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर रुकी रही। यात्रियों का कहना है कि महीनों से गोंदिया बालाघाट रूट पर चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनें 3-4 घंटे देरी से चल रही है, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों मजदूर, छात्र, छात्राएं व अन्य यात्री इन पैसेंजर ट्रेनों से गोंदिया आना जाना करते हैं, लेकिन ट्रेन देरी से चलने से वे समय पर पहुंच नहीं पाते। 30 अगस्त मंगलवार को तिरोड़ी गोंदिया ट्रेन ये तिरोड़ी स्टेशन से 1 घंटा देरी से सुबह 8:51 पर रवाना हुई, जो बालाघाट स्टेशन से होकर सुबह 11:45 पर लगभग 2 घंटा देरी से खारा स्टेशन पहुंचने पर मजदूरों व अन्य यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और वे खारा स्टेशन पर ट्रेन के इंजन के आगे आकर पटरियों के बीच बैठ गए और ट्रेन को समय पर संचालित करने की मांग करते हुए ट्रेन को रोक के रखा। आखिरकार मौके पर पहुंची पुलिस के काफी समझाने के बाद मजदूर पटरियों से उठे और लगभग 1 घंटे के बाद ट्रेन गोंदिया की ओर रवाना हुई। गौरतलब है कि गोंदिया बालाघाट के बीच बिरसोला स्टेशन पर यात्री पैसेंजर ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक रोकी जा रही है और मालगाड़ी धड़ाधड़ जा रही है। बेचारे यात्री काटी बिरसोला स्टेशन से 100 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से ऑटो करके गोंदिया आने को विवश है। रविवार 28 अगस्त को यात्रियों और स्टेशन प्रबंधन के बीच काफी हो हल्ला मचा और नौबत मारापीटी तक आ गई थी। बावजूद इसके रेल प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। नागपुर कंट्रोल की मनमानी की सजा स्टेशन मास्टर और यात्री भुगत रहे। ट्रेनों की लेट लतीफी पर नागरिकों का कहना है कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों की छोटी लाइन यानी नैरो गेज ही सही थी। जब से कोरोना काल पश्चात गोंदिया जबलपुर के बीच बड़ी रेल लाइन पर पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही शुरू है, तब से डेमू और मेमू लोकल ट्रेनों को छोटी छोटी स्टेशनों पर रोककर मालगाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। केसरी उजाला न्यूज के लिए गोंदिया से रवि आर्य की रिपोर्ट।